रुकी हुई है। पूरे सूबे में मंशियात एक ट्रेड बन चुका है, एक कारोबार बन चुका है। पुलिस और सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में बड़ी मंशियात तो अपनी जगह, हेरोइन, चरस, अफ्यून, आजकल ये मैनपुरी, गुटखा, गांजा, पता नहीं क्या क्या होता है, वो तमाम जो है वो एक ट्रेड के तौर पे भत्ते लेकर किया जा रहा है। मंशियात फरोशों को पकड़ने वाला कोई नहीं है, डाकुओं को पकड़ने वाला कोई नहीं है, चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये नैब जदगान सिंध हुकूमत सब बेल के ऊपर हैं और हलीम आदिल शेख और हमारे ये साथी, ये तहरीक इंसाफ के मेरे साथी, ये तमाम कोर्टों की हाजिरियाँ लगा रहे हैं। ये है पीपल्स पार्टी का मकरू नॉन डेमोक्रेटिक चेहरा। थैंक यू सर। और हम भी यही डेट खाते हैं, वकील भी अपने क्लाइंटों के साथ। ये तीसरी पेशी है हमारी, आज थर्ड मेरे पेशी है जिसमें प्रोसिक्यूशन को कापी सप्लाई करनी थी, आज भी उन्होंने कापी सप्लाई नहीं की। लेकिन हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है हलीम आदिल शेख साहब ने कि भाई ये कंटेम्प्ट हुआ है, अदलिया के जो फैसला था फाइव रुकनी बेंच की उसकी कंटेम्प्ट हुई है, उसमें ये क्रिमिनल केस लाज किया गया है। आज हमने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन मूव की है कि इस केस को एटीसी को ट्रांसफ़र करके आर्डनरी कोर्ट, रेगुलर कोर्ट में इस केस को भेजा जाए कि फर्दर प्रोसीडिंग हो। उसके ऊपर आज जज साहब ने नोटिस किया है फर्दर हेयरिंग के लिए, केस जो है 12 तारीख तक एडजर्न हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये केस यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आर्डरी कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई अमल नहीं हुआ और जो वहाँ पर अमला था हमारा इलेक्शन कमीशन का, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई, ना कोई पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट हुई। ये सिर्फ ओनली केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया और उनका ये पर्पज़ था कि हलीम साहब को वो जेल में रखें, उन्होंने जेल में रखा। इनके ऊपर मर्डर के लिए अटेम्प्ट किया, वो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ FIR दाखिल की जाए। आज हमने एप्लीकेशन फाइल की है कि इस केस को आर्डरी कोर्ट में भेजा जाए, क्योंकि ये एंटी टेररिज्म का केस बनता ही नहीं है, उस पर नोटिस हुआ है और 12 तारीख के लिए और 12 जुलाई के लिए मैटर एडजर्न हो गया। मेहरबानी आप लोग। मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का, क्या आप कोर्ट के बाहर भी तशरीफ़ ले आए? मैं बताना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी का मकरूह चेहरा कि ये पीपल्स पार्टी जो क्लेम करती है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी और इनके ज़माने में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सबसे बड़ी मिसाल अपोजिशन लीडर आपके सामने मौजूद है। हलीम आदिल शेख का गुनाह सिर्फ ये था कि हलीम आदिल शेख, और ये गुनाह है और ये करता भी रहूँगा गुनाह में, कि हलीम आदिल शेख इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन पैसे लूटने वालों को, सिंध के गद्दारों को, सिंध के दुश्मनों को बेनकाब करता है असम्बली में और ग्राउंड पर जाकर। आज डाकू आज़ाद हैं, जिन लोगों ने कंदकोट कश्मोर में पुलिस वालों को शहीद किया और APC के ऊपर डांस की वीडियोस जारी की, वो डाकू आज़ाद हैं। हलीम आदिल अदालतों के चक्कर लगा रहा है, जिन्होंने 9 लोगों को कत्ल किया कंदकोट में, वो डाकू आज़ाद हैं। हलीम आदिल अपने वकला के समय कल मलीर में था, आज यहाँ हूँ, परसों घोटकी में आऊँगा। पीपल्स पार्टी एक फासिस्ट पार्टी है और सियासी मुखालफीन के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो ये कर रहे हैं, इसका मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जितने क्लीन शेव हो जाएं, ये जितने भी मिस्टर क्लीन अपने आप को कहलाते हैं, ये मिस्टर क्लीन नहीं है, दे आर जस्ट मिस्टर क्लीन शेव। ये मिस्टर क्लीन कोई नहीं है, इनका सईद गनी हो, बिलावल जरदारी हो, दे आर जस्ट क्लीन शेवन शेव्स। और दूसरे बात मैं कहना चाहूँगा, शन इतनी घटिया हो चुकी है, जो फेडरल की अपोजिशन है और सिंध की गवर्नमेंट है, इखलाकी इकदार उनसे ख़त्म हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़ीर आज़म रियासत मदीना का वो वज़ीर आज़म है जो इंशाअल्लाह, मैं समझता हूँ, खिलाफत उस्मानिया के बाद अगर कोई मुस्लिम लीडर आया है पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा कप्तान इमरान ख़ान है। और मैं जानता हूँ ये जो बात करते हैं, ये माफियाज ऑफ सिंध की वीडियो भी आपने देखी होंगी, इनके सारे वजीर शाम को बैठ के क्या कर रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो भी मंशियात फरोश हैं, उनके सपोर्टर हैं, उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जंग रहेगी। और ये जो सिंध में जो मैं कहना चाहता हूँ चोरों लुटेरों की जो हुकूमत है, और दूसरी बात आखिर करूँ आपको, कल हमने एक चीज़ देखी, बिलावल जरदारी ज़रा बाहर तो निकलो, NICVD, ये कह कह के थक गए होते हैं। कल एक रिपोर्ट दी है समा टेलीविज़न ने कि NICVD में कोविड के दौरान 5 करोड़ रुपए के
जहाज के टिकटों पे खर्च कर दिया। किसने? वो जो मूछों वाला एक वो बदतमीज किस्म का एमएनए जिसने अपना कोट उतार के फेंक रहा था, नवीद कमर का भाई नदीम कमर। 5 करोड़ के टिकट, इन 5 करोड़ से कितनों के बाईपास हो सकते थे, कितनी जिंदगियां बच सकती थी, कितनी एंजियोप्लास्टियां हो सकती थी, कितनी एंजियोग्राफियां हो सकती थी। एनआईसीवीडी करने वाला शर्म करो, डूब मरो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के दर्द के पैसे, मरीज के पैसे, दवाई के पैसे भी 5 करोड़ रुपए नदीम कमर के जरिए, नवीद कमर के जरिए बिलावल हाउस के अकाउंट में चले गए। तुम तो थर के आरओ प्लांट के पैसे खा जाते हो, थर के बच्चों की दवाइयों के पैसे खा जाते हो। एक हफ्ते पहले अब्दुल्ला शाह मेडिकल सेंटर की दवाइयां लाखों रुपए की चोरी की गई थी, किसी ने जाके पुलिस से पकड़वाया। वो मुराद अली शाह का एमएस है और उसके भी अब्दुल्ला शाह मेडिकल सेंटर की दवाइयों के पैसे भी चोरी होकर सीएम हाउस आने थे। हम इन चोरों लुटेरों को गैर इखलाकी, गैर जमहूरी हरकत की कि पहले वो तकरीर में कहते रहे कि जी हमारी तकरीर सुनो, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। अपनी इखलाक से गिरी हुई तकरीर करके जैसे ही हमाद अज़हर साहब आए वो चले गए। कल उसके बाद जाते जाते बिलाल साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में गधे बढ़ गए, और उन्हें कोई नज़र नहीं आता, गधे बढ़ गए, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। इशू ये है, बिलावल साहब जिन लोगों के दरमियान घिरे हुए होते हैं, बिलावल साहब के नज़दीक सिंध के चीफ मिनिस्टर, सिंध की कैबिनेट, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चारों तरफ से जिन्होंने इनको घेरा हुआ होता, सारे ही गधे हैं। इसलिए कि जो हशर करती है कोई जी शऊर जिसमें थोड़ी सी भी अकल हो, वो सिंध की, अपने सूबे की इतनी तबाही नहीं कर सकता। तो बिलावल साहब इधर देखते हैं एक गधा, इधर देखते हैं एक और गधा, सामने देखते हैं एक और गधा। तो इनके वुज़रा की जो पूरी टीम है माशाल्लाह, उनमें वो तमाम खासियतें पाई जाती हैं सिवाय गधे की एक खासियत के, बेवकूफ़ी वाली खासियतें गधों की पाई जाती हैं, लेकिन शराफत वाली नहीं, मासूम नहीं। गधा तो बेचारा मिस्कीन मासूम भी है, ये खासियत नहीं पाई जाती। दूसरी बात, बिलावल साहब अगर तादाद में इजाफा हुआ है तो असल तादाद का तो इजाफा सिंध में कुत्तों का इजाफा हुआ है, गधा तो फिर बेचारा बेजरर है। सिंध में, आपके सिंध में जिसमें आपकी हुकूमत है, उसमें कुत्तों का इजाफा हुआ है। 13 साल में सिंध के कुत्ते लोगों को उधेड़ गए, लोगों को खा गए, और उसके बाद इलाज भी ना मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंध के बाहर निकले होते, अगर आप गाड़ियों से उतरे होते, अगर आप एसी से बाहर निकले होते, तो आपको पता चला होता कि सिंध पे कुत्तों का राज है। सिंध में जजेस कहते हैं कि कुत्तों ने सिंध को खा लिया, और उसके बाद उस जज को आप कहते हैं कि हम बम धमाके से उड़ा देंगे आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बजट सेशन जा रहा है, ये सिंध दुश्मन बजट जो है इसको मेनकाब करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूँ